बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 3 है बेटा, और आपका टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंसान का नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस एंड इन अदर हायर एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर कंपोनेंट, के इंसान का जो नर्वस सिस्टम है और जो हायर एनिमल्स का, तरक्की याफ्ता जानवरों का जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कितने बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है नर्वस सिस्टम, इंसान का और हायर एनिमल का। पहला हिस्सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बच्चों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम, इस पर हमारा नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस कोऑर्डिनेटर सच एज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ना CNS से शो करते हैं। CNS से इसको शो किया जाता है, लिखा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस पर मुश्तमिल है बच्चों? ब्रेन पर मुश्तमिल है। और किस पर मुश्तमिल है? स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। सो दो चीज़ें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे जिस्म के सेंटर में आती हैं, लिहाजा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। जबकि पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम, वो सिस्टम जो हमारे जिस्म के साइड्स पे होता है, अतराफ में होता है, उसको पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये किस पर मुश्तमिल है? नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। और एक और चीज़ भी होती है, गैंगलिया। गैंगलिया ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा। सो पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम किस पर मुश्तमिल है? नर्व्स पर मुश्तमिल है और गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है। दैट अराइज फ्राम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। याद रखिएगा कि जो पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। वो जो नर्व्स होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। सो नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं और फिर वहाँ से निकलने के बाद पूरे जिस्म में फैल जाती हैं, पूरे जिस्म में स्प्रेड कर जाती हैं। ऑल दीज कंपोनेंट आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन। ये सारे हिस्से, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम हो, सब का सब किस पर मुश्तमिल होता है बच्चों? न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूरॉन या नर्व सेल। वो करने से पहले मैं आपको डायग्राम से ये सारा कुछ बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है बच्चों, ये नर्वस सिस्टम है इंसान का, जो मुश्तमिल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम पे मुश्तमिल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है बच्चों और स्पाइनल कॉर्ड आता है, जबकि पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं और गैंग्लिया भी आते हैं, जिनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और उसके बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती हैं? नर्व्स निकलती है। ये जो मैं आप कर रहा हूँ, ये सारी क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं। तो नर्व्स क्या बनाती हैं बच्चों? पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, जबकि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। फिर चाहे ये नर्व्स हो बच्चों, चाहे ब्रेन हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, इन सब के अंदर क्या पाए जाते हैं? खास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। उन सेल्स को नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। नर्व सेल या न्यूरॉन दो नाम है एक चीज के, न्यूरॉन या नर्व सेल। सबसे पहले इसकी तारीफ है, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की इकाई को न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्लस स्पोल्टिंग सेल्स, एंड स्पोल्टिंग सेल्स आर कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल्स। याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम के यूनिट को, नर्वस सिस्टम की इकाई को नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। अब इंसान का जो नर्वस सिस्टम है उसमें बिलियंस की तादाद में बच्चों न्यूरॉन्स मौजूद हैं, और न्यूरॉन के साथ क्या मौजूद है, प्लस क्या मौजूद है? सपोर्ट करने वाले सेल्स मौजूद हैं। उन सपोर्ट करने वाले सेल्स का नाम होता है न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है? ये काम, मेन काम ये करते हैं, ठीक है? फिर इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको खुराक पहुंचाने के लिए, इनकी हिफाजत करने के लिए सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। उन सपोर्टिंग सेल्स का नाम क्या होता है बच्चों? न्यूरोग्लियल सेल। सो आपके नर्वस सिस्टम में दो चीजें होंगी, सपोर्टिंग सेल न्यूरोग्लियल सेल्स, और मेन सेल बच्चों न्यूरॉन्स। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल। न्यूरॉन खास किस्म के सेल्स होते हैं दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर। कि न्यूरॉन खास किस्म के सेल्स हैं जो पैगामात को कंडक्ट कर सकते हैं, कहां से कहां तक? रिसेप्टर से पैगाम को लेके जा सकते हैं कोऑर्डिनेटर तक,
और कोऑर्डिनेटर से पैगाम को कहाँ लेके जा सकते हैं, इफेक्टर तक। सो न्यूरॉन खास किस्म के स्पेशलाइज सेल्स हैं जो पैगाम को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर में ले जाते हैं और फिर कोऑर्डिनेटर से कहाँ ले जाते हैं, इफेक्टर में ले जाते हैं, और जो पैगाम जाता है वो नर्व इम्पल्स की शक्ल में ले जाता है, और उसको लेके कौन जाता है, न्यूरॉन लेके जाते हैं। इन दिस वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सेल्स। तो इस तरह जो न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों, वो एक दूसरे से भी कम्युनिकेट करते हैं और जिस्म के हिस्सों से भी कम्युनिकेट करते हैं। जिस्म के एक साइड पर रिसेप्टर होते हैं और जिस्म के दूसरी साइड पर इफेक्टर होते हैं। उन रिसेप्टर और इफेक्टर के दरमियान क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सेंसरी होते हैं, मोटर होते हैं, इंटर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह न्यूरॉन एक दूसरे से भी कम्युनिकेट करते हैं, रब्ता करते हैं, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के सेल्स के दरमियान भी रब्ता करते हैं। अब क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर साख्त। द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ ए न्यूरॉन इज लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। कि एक न्यूरॉन का जो न्यूक्लियस होता है और उसका जो ज्यादातर साइटोप्लाज्म होता है वो जिस हिस्से में होता है उस हिस्से का नाम सेल बॉडी है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म मौजूद है, ज्यादातर साइटोप्लाज्म मौजूद है, न्यूरॉन के उस हिस्से का नाम क्या होता है, सेल बॉडी। मैं डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ कि ये साइटोप्लाज्म है बच्चों और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया बच्चों और ये वाली जगह क्या होती है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। सो जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद हो, जहाँ पे साइटोप्लाज्म मौजूद हो, उस हिस्से का नाम क्या होता है, सेल बॉडी। सो न्यूरॉन का न्यूक्लियस और उसका ज्यादातर साइटोप्लाज्म सेल बॉडी के हिस्से में मौजूद होता है। तीन हिस्से होते हैं मेनली, सेल बॉडी, एग्जॉन्स और तीसरे नंबर में बच्चों डेंड्राइट। कोई भी एग्जॉन उसके तीन हिस्से होते हैं, एक सेल बॉडी जहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, फिर वहां से कुछ प्रोसेस होते हैं वो पैगाम को, नर्व इंपल्स को सेल बॉडी के पास ले आते हैं। उन प्रोसेस को जो पैगाम को सेल बॉडी के पास लेके आए उनको डेंड्राइट कहते हैं। एक लंबा प्रोसेस होता है जो पैगाम को सेल बॉडी से क्या करता है, दूर ले जाता है, उस लंबे प्रोसेस का नाम एग्जॉन्स होता है। तो यही आपने देखा, डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, मुख्तलिफ प्रोसेसेस, मुख्तलिफ धागे सेल बॉडी से निकलते हैं। दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट एंड एग्जॉन, इनको डेंड्राइट और एग्जॉन्स कहते हैं। डेंड्राइट कंडक्ट इम्पल्सिस टुवार्ड द सेल बॉडी, डेंड्राइट एंटीने का काम करती है, सिग्नल को, इम्पल्स को कैच करके किसके पास भेजेगी, सेल बॉडी के पास भेजेगी। सो डेंड्राइट कंडक्ट इम्पल्स टुवार्ड द सेल बॉडी, एग्जॉन उलट है, एग्जॉन कंडक्ट इम्पल्सिस अवे फ्रॉम सेल बॉडी, एग्जॉन जो होगा वो पैगामात को सेल बॉडी से दूर ले जाएगा। आगे चलते हैं श्वान सेल की तरफ। श्वान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एग्जॉन्स। हम बेसिकली अब एग्जॉन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि एग्जॉन्स के ऊपर खास किस्म के वक्फों वक्फों के ऊपर खास किस्म के न्यूरोग्लियल सेल्स पाए जाते हैं, सपोर्टिंग सेल्स पाए जाते हैं, सहारा देने वाले सेल पाए जाते हैं। इन सहारा देने वाले सेल्स को श्वान सेल कहते हैं। इन सम न्यूरॉन श्वान सेल सिक्रीट फैटी लेयर। अब श्वान सेल का काम, कुछ न्यूरॉन्स में श्वान सेल फैट की लेयर खारिज करते हैं, उस फैट की लेयर का नाम मेलन शीथ होता है। याद रखना कि खास वक्फों वक्फों के ऊपर जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं उनको श्वान सेल्स कहते हैं। अब श्वान सेल का काम क्या होता है, फैटी लेयर खारिज करना, उस फैटी लेयर का नाम मेलन शीथ होता है बच्चों। और मेलन शीथ किसके ऊपर सिक्रीट होती है, एग्जॉन्स के ऊपर। मैं ये आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ, ये हम एग्जॉन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों। एग्जॉन की जब हमने स्ट्रक्चर देखी तो यहाँ पे हमें खास किसके सेल दिखाई दिए, एग्जॉन्स के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर। ये एग्जॉन है सारा, तो एग्जॉन के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर हमने खास किस्म के सेल्स देखे। उन सेल्स को क्या नाम देते हैं बच्चों, उन सेल्स को श्वान सेल्स कहते हैं। अब श्वान सेल का काम क्या होता है, ये श्वान सेल जो होते हैं फैट की लेयर खारिज करते हैं। ये जो रेड मैंने बनाई ये फैट की लेयर है, किसकी लेयर है, फैटी लेयर है। तो श्वान सेल्स क्या खारिज करते हैं, फैटी लेयर खारिज करते हैं, और उस फैटी लेयर का नाम क्या होता है, मेलन शीथ। ये भी मेलन शीथ है, ये भी मेलन शीथ है, ये भी मेलन शीथ, मेलन शीथ, मेलन शीथ, सही है। सपोर्टिंग सेल या न्यूरो एग्जॉन के ऊपर सपोर्टिंग या न्यूरोग्लियल सेल्स को श्वान सेल कहते हैं, और उन श्वान सेल से फैटी लेयर बनती है, फैटी लेयर का नाम मेलन शीथ होता है। आगे चलें, बिटवीन द एरियाज ऑफ माइलन ऑन द एग्जॉन
देयर आर नॉन मैलिनेटेड पॉइंट कार्ड नोड ऑफ रेनेवेयर। बच्चों हर जगह पे मैलन की शीत नहीं होती, कुछ हिस्से एग्जाम के ऐसे होते हैं जहाँ पे मैलन की शीत नहीं होती, उन हिस्सों को नोड ऑफ रेनेवेयर कहते हैं, उन हिस्सों को नोड ऑफ रेनेवेयर कहते हैं। सो एग्जाम के ऊपर कुछ हिस्से मैलन के बगैर होते हैं, उन मैलन के बगैर हिस्सों को क्या कहा जाता है बच्चों, नोड ऑफ रेनेवेयर कहा जाता है। एग्जाम के ऊपर कुछ हिस्से मैलन के बगैर होते हैं, उन हिस्सों को ये वाली जगह उन हिस्सों को हम नोड ऑफ रेनेवेयर कहते हैं। आगे चलें कि माइलन शीथ इज एन इंसुलेटर। माइलन शीथ फैट की लेयर है जो श्वान सेल ने बनाई है, श्वान सेल ने फैट की लेयर बनाई, उसका नाम माइलन शीथ है। अब माइलन शीथ कैसी होती है, इंसुलेटर होती है, नर्व इंपल्स को पैगाम को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती। सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीथ डज नॉट कंडक्ट नर्व इंपल्स। सो कोई भी एग्जॉन जिसके ऊपर मैलन शीत होगी वो नर्व इंपल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत बच्चों नहीं देगी। सो क्या होगा, इन सच ए न्यूरॉन इंपल्स जंप ओवर द एरिया ऑफ मैलन गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड। लिहाजा जो इंपल्स होगी, चूंकि मैलन शीत ने गुजरने नहीं देना, तो नर्व इंपल्स क्या करेगी, मैलन शीत के ऊपर से जंप करेगी और नोड टू नोड जाएगी। ऐसी इंपल्स जो मैलन शीत के ऊपर जाए और एक नोड से दूसरे नोड में पहुंचे, दूसरे नोड से तीसरे नोड में पहुंचे, सच इंपल्सेस आर कॉल्ड साल्टेटरी और जंपिंग इंपल्सेस। ऐसी इंपल्सेस को साल्टेटरी या जंपिंग इंपल्सेस कहते हैं। इससे क्या हो जाता है, दिस इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द नर्व इंपल्स। इससे नर्व इंपल्स की जो स्पीड है बच्चों वो बढ़ जाती होती है, इससे नर्व इंपल्स की स्पीड बढ़ जाती है। सो मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो माइलन शीत होती है ये नर्व इंपल्स को नहीं गुजरने देती, ठीक हो गया। तो जिन एग्जाम्स के ऊपर इसकी तय होती है वहाँ पर जो नर्व इंपल्स होती है वो जंप लगाती है एक नोड से दूसरे नोड में, दूसरे नोड से तीसरे नोड में, तीसरे नोड से चौथे नोड में। ऐसी इंपल्स जो नोड टू नोड जंप लगाए, ऐसी इंपल्स को साल्टेटरी इंपल्स कहते हैं या जंपिंग इंपल्स कहते हैं, जिससे उसकी जो स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती है। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछते होते हैं कि राइट ए लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, दो नंबर का ये इसकी डायग्राम भी आती है। आगे चलते हैं, नर्व इंपल्स जो अक्सर आपने पढ़ा, नाइन्थ में भी पढ़ते रहे, अब भी आपने इस लेक्चर में बात की नर्व इंपल्स। सो उसकी तारीफ आ गई है, इट इज़ ए वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। के वेव का मतलब है लहर, इलेक्ट्रोकेमिकल बरकी ओ कीमियाई तब्दीली की लहर जो न्यूरॉन की लंबाई में चले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बरकी और कीमियाई तब्दीली की लहर होती है जो न्यूरॉन की पूरी लंबाई में चलती है। उस बरकी और कीमियाई तब्दीली की लहर को जो न्यूरॉन की पूरी लंबाई में चले उसको नर्व इंपल्स कहा जाता है। वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। आगे एक और इंफॉर्मेशन भी है बच्चों, एमसीक्यूज में आ जाती है, अनलाइक ऑर्डिनरी सेल्स मेच्योर न्यूरॉन नेवर डिवाइड। जिस तरह बाकी आम सेल्स होते हैं, उन आम सेल के बरअक्स, उन आम सेल के अपोजिट मेच्योर न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड या नेवर डिवाइड। बच्चों बाकी सेल्स जो होते हैं हमारे जिस्म के वो ऑर्डिनरी सेल्स होते हैं, तो वो मेच्योर हो भी जाएं तभी वो डिवाइड होते हैं, तभी तकसीम होते हैं, लेकिन जब जो न्यूरॉन है आपके जब ये बालिग हो जाएं तो ये नेवर डिवाइड, कभी भी तकसीम नहीं होते। सो बालिग न्यूरॉन के सेल कभी भी तकसीम नहीं होते बाकी आम सेल के बरक्स। बट प्रोटीन कार्ड नर्व ग्रोथ फैक्टर, एक प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम क्या है, नर्व ग्रोथ फैक्टर। क्या करती है, प्रमोट द रीजनरेशन ऑफ द ब्रोकन नर्व सेल। अगर बच्चों नर्व के सेल क्या हो जाएं, ब्रेक हो जाएं, तो उस नर्व सेल अगर ब्रेक हो जाएं तो फिर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है नर्व ग्रोथ फैक्टर, वो क्या करती है, प्रमोट करती है रीजनरेशन ऑफ द ब्रोकन नर्व सेल्स। कि जब भी कोई नर्व सेल ब्रेक हो जाए बेटा, टूट जाए, तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है नर्व ग्रोथ फैक्टर, उन ब्रोकन नर्व सेल्स को क्या करती है, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करती है, दोबारा वो पैदा हो सकते हैं, दोबारा वो तकसीम हो सकते हैं, दोबारा वो ठीक हो सकते हैं। डीजनरेटिंग ब्रेन सेल्स कुड बी रिपेयर बाय यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि डीजनरेटिंग ब्रेन सेल्स, कि ब्रेन के वो सेल जो टूट चुके हों, ब्रेन के वो सेल जो डीजनरेट कर चुके हों, उनको आप रिपेयर कर सकते हो किसके जरिए, एम्ब्रियोनिक स्टेम
सेल्स के जरिए आप उनको रिपेयर कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।